हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रह, प्लैनेट्स, तो कुल कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल में, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह होते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। तो उन सभी चक्कर लगाने वाले ग्रहों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है मरकरी। तो मरकरी को हम बुध कहते हैं। बुध के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए इसको आप बुध भी कह करके याद कर सकते हैं। बुध है इसलिए इसके पास कोई भी ग्रह नहीं है। बुध के पास कोई भी नहीं जाता, आप ये इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है वेनस। वेनस वेनस को हम शुक्र कहते हैं। शुक्र यह एक चमकीला ग्रह है और इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, और ये खुद सुख में है। सुख से आप इसको सुखमय जीवन बिताने वाला है। इसके पास कोई ग्रह नहीं है, इसे हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और यह भोर का तारा या सायं का तारा भी कहा जाता है। इसको आप देख भी सकते हैं, सुबह या शाम में दिखाई पड़ता है। कभी कभी शाम में दिखाई पड़ेगा और कभी कभी भोर में दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको भोर का तारा और सायं का तारा कहा जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अर्थ। अर्थ को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसको जब अंतरिक्ष से देखा जाता है तो यह नीले कलर में दिखाई पड़ता है। इसके पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसको चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसलिए इसका उपग्रह हुआ। चौथे नंबर पर आता है मार्स। मार्स मार्स को मंगल कहा जाता है। मंगल को हम लाल ग्रह भी कह सकते हैं। इसको हम लाल ग्रह कह करके भी याद कर सकते हैं, और इसके पास दो उपग्रह होते हैं। मंगल के पास दो उपग्रह होते हैं। मंगल को भी आप अंतरिक्ष में देख सकते हैं। ये थोड़ा लाल कलर में आपको दिखाई पड़ता है। आप इसको हमेशा देख सकते हैं, रात में इसको आप देख सकते हैं बड़े आसानी से। इसके बाद आता है पांचवें नंबर पर जुपिटर। पांचवें नंबर पर आता है जुपिटर। तो जुपिटर को हम बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति जिसको आप इस तरह कह सकते हैं कि यह सभी देवताओं का गुरु है, सभी सभी ग्रहों का गुरु है या सभी देवताओं का गुरु है। और इनको हम इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर पीला होता है, और इनके पास 67 उपग्रह होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से याद भी कर सकते हैं। गुरु गुरु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुरु को इंग्लिश में सर कहते हैं। और जब तक किसी विद्यार्थी को सर का साथ नहीं मिलता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ता। इस तरह से अगर सर और साथ दोनों को एक मिला दें, कितना हो जाएंगे? हो जाएगा 67। तो इस तरह से 67 से आप 67 उपग्रह याद कर सकते हैं। और इसको ये भी याद कर सकते हैं कि ये पीले कलर का है। अगर गुरु कहते हैं कि ये लो और बढ़ जाओ, ये लो और बढ़ जाओ, अब ये लो हो गया, ये लो से माने पीला हो गया। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि बृहस्पति का कलर, बृहस्पति का रंग कैसा है, तो आपको याद हो जाएगा यह पीले कलर में है। आशा करते हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। प्यारे दोस्तों, इसके बाद छठे नंबर पर आता है सैटर्न। सैटर्न को हम शनि कहते हैं। शनि कहते नहीं, लोग कहते हैं कि अरे इनके ऊपर शनि का दोष है। तो शनि खुद एक दोष है। इस तरह इनका कलर कैसा होता है? इनका कलर होता है काला। इस तरह से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि काला शनि। शनि जब किसी के ऊपर सवार होते हैं, कहते हैं इनके ऊपर शनि सवार हो गए हैं,
माने उनके ऊपर कालग्रह चलने, कालचक्र चलने लगता है, जिसके कारण उनको दुनिया की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं। और इनके पास कुल 62 ग्रह होते हैं। शनि के पास सबसे ज़्यादा ग्रह कितने हैं इनके पास? इनके पास सब 62 उपग्रह हैं। इन 62 उपग्रहों के साथ इस ग्रह को सभी ग्रहों का वास भी कहा जाता है, क्योंकि शनि जो है, शनि जिसके ऊपर रूठ जाते हैं तो उनकी किस्मत खराब हो जाती है। इस तरह से इनको सब लोग अपना वास मानते हैं। तो वास का वास, अगर आपको याद रहेगा कि ग्रहों का वास कौन है, ग्रहों का वास शनि है, तो शनि के पास कितने उपग्रह हो जाएंगे? 62। आपको याद हो जाएगा कि शनि के पास कितने उपग्रह? 62, सभी ग्रहों का वास। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सातवें नंबर पर आता है अरनस को हम अरुण कहते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे लेटा हुआ ग्रह इसलिए कहा जाता है कि यह बहुत ही थका हारा रहता है, इसलिए इसको थका हारा हुआ ग्रह कहा जाता है। और इसके पास कितने उपग्रह होते हैं? इनके पास कुल 27 उपग्रह होते हैं। अरुण के पास कुल 27 उपग्रह हैं। इसके बाद आता है नेपच्यून का अर्थ है कि वरुण। तो वरुण के पास कुल 14 उपग्रह होते हैं। आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, वरुण से वार, और वार जब राजा को होता है तो राजा कहाँ सुरक्षित होता है? फोर्ट में, माने किले में। तो इस तरह से आप 14 याद कर सकते हैं। इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि वरुण के पास कुल 14 उपग्रह हैं। तो आशा करते हैं अब आपको ये सरल और आसान ढंग से याद हो जाएगा। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मरकरी के पास अर्थात बुध के पास कोई ग्रह नहीं है, वेनस अर्थात शुक्र चमकीला ग्रह, इसके बाद भी कोई उपग्रह नहीं है, अर्थ को पृथ्वी जिसे नीला ग्रह कहा जाता है, इसके बाद एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं, मार्स मंगल के पास 2 उपग्रह हैं, और जुपिटर बृहस्पति का कलर पीला, और इनके पास 67 उपग्रह, सैटर्न शनि के पास 62 उपग्रह, इनका कलर काला, यूरेनस अरुण जिसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और इनके पास 27। जब थके हारे हुए लगते हैं इसलिए इनको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, और इनके पास कुल 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून और वरुण के पास कुल 14 उपग्रह हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।